चलिए, तो आज हमको क्या बताना है? उत्तल दर्पण में सिद्ध करें एक बटा भी जोर एक बटा यू बराबर एक बटा एफ। कल मैंने कल बताया था अवतल दर्पण में एक बटा भी जोर एक बटा यू बराबर एक बटा एफ। दोनों दर्पण के लिए ये फॉर्मूला जो होता है यही होता है, सिर्फ उसमें देखा जाता है कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और फोकस दूरी, पॉजिटिव और निगेटिव उसके स्थिति के अनुसार माना जाता है। अगर लेफ्ट साइड है तो उसको निगेटिव माना जाता है और राइट साइड है तो पॉजिटिव माना जाता है। तो हमको सबसे पहले उत्तल दर्पण लेना पड़ेगा। तो उत्तल दर्पण हम बताए हुए ना, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभड़ा होता है। तब सबसे पहले हम यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, ठीक। चलिए तो एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, ये हुआ उत्तल दर्पण, इसको हम पीछे से क्या कर देंगे, कलाई कर देंगे। तो ये माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है, समझे, और इसका ये एक्सिस हो गया और ये ध्रुव हो गया। तो ध्रुव P से u दूरी पर यहां से ओ ए एक वस्तु रखी गई। ये क्या है, वस्तु है। ये वस्तु की दूरी क्या हो गई, u हो गई, और यहां से प्रतिबिंब चलेगी, किरण चलेगी, और बिंदु B पर इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। ये बिंदु B है, यहाँ बिंदु B पर इसका परावर्तन होगा और प्रकाश की किरण इधर की ओर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो आपको बताया है ना कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब को हम डॉट डॉट से क्या करते हैं, दर्शाते, ये फोकस हो गया, और यहाँ से एक किरण चलेगी और यहाँ पर कटेगी, तो यहाँ पर कट गया ना, तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया। इस प्रतिबिंब का नाम रख देते ओ डैश ए डैश और ये सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब लैंग्वेज में लिखेंगे, माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके ध्रुव पी से यू दूरी पर ओ ए कोई वस्तु रखी गई है, जिसका आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब ओ डैश ए डैश के रूप में भी दूरी पर बनती है। ये इसका फोकस हो गया और ये इसका वक्रता त्रिज्या हो गया। आई बात समझ में, इतना ये हम लिख देंगे। अब क्या कर रहे हो, यहाँ पर देखना है कि वस्तु कौन है, वस्तु हो गया ये वस्तु, हाँ, तो यहाँ पर वस्तु क्या हो गया, OA, क्या हो गया, वस्तु OA। तो वस्तु की दूरी PO, PO, PO बराबर कितना हो जाएगा, माइनस U, नहीं, अब देखो प्रतिबिंब को क्या है, O डैश A डैश, प्रतिबिंब हो गया आपका O डैश A डैश, और तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी PO डैश, PO डैश बराबर क्या हो गया, प्लस भी, राइट साइड रहता है तो क्या मानते हैं, प्लस। अब फोकस दूरी क्या हो गया, फोकस दूरी PF ना, PF बराबर हो गया प्लस F, राइट साइड है। अब देखिए, तथा वक्रता त्रिज्या हो गया PC बराबर R बराबर 2F, लिख सकले है ना, PC बराबर R बराबर 2F। अब हमको देखना है कि यहाँ पर एकदम थ्योरी आसानी से हम इसका सोल्व कर देंगे, कैसे, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज देखिए, कौन कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज है एक OAC, एक त्रिभुज है ना, और एक त्रिभुज O डैश A डैश C, दोनों का कोण एक ही है ना, जब दोनों त्रिभुज का एक ही कोण हो तो वह समरूप त्रिभुज होता है, और समरूपता के शर्त होता है कि लंब अनुपात, लंब आधार अनुपात आधार दोनों बराबर होता है। तो त्रिभुज यहाँ पर देखेंगे, यहाँ त्रिभुज OAC दिखाई दे रही है, और त्रिभुज ओ डैश ए डैश सी, ओ डैश ए डैश सी कौन चीज है, समरूप होने के कारण,
चलिए त्रिभुज ओ ए सी में इसका लंब क्या है? ओ ए इसका लंब ओ ए है ना, और इस त्रिभुज का लंब क्या है? ओ डैश ए डैश, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बराबर इसका आधार क्या है? ओ ए सी का आधार क्या है? ओ सी, ओ सी है ना, और इसका आधार क्या? ओ डैश सी, ओ डैश सी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तो ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर ओ सी, ओ सी को हम लिख सकते हैं पी ओ, पी ओ जोर पी सी, पी ओ और पी सी को जोड़ देंगे तो ओ सी हो जाएगा। बटे ओ डैश सी, देखिए ओ डैश सी इसका मान कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे पी सी में से घटा देंगे पी ओ डैश, पी सी में से पी ओ डैश घटा देंगे तब ओ डैश सी आ जाएगा ना। ये हो गया हमारा समीकरण एक, आई बात समझ में। आप देखिए हम इसको हम बी को इसको हम इसको सीधा मान ले तो इसका नाम हम क्यू रख सकते हैं। तो एक त्रिभुज यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है क्यू बी एफ बन रहा है ना, और एक त्रिभुज बन रहा है ओ डैश ए डैश एफ, दिखाई दे रहा है ना। अब त्रिभुज क्यू बी एफ, क्यू बी एफ और त्रिभुज ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश एफ, ये भी इसका भी तो कोण यही है तो यह भी तो समरूप होगा, तो लिखेंगे समरूप होने के कारण, समरूप होने के कारण, तब समरूपता के फिर वही शर्त लंब अनुपात लंब और आधार अनुपात आधार। तो यहाँ पर देखिए इसका लंब बताइए त्रिभुज क्यू बी एफ का लंब क्या है? क्यू बी बटे ओ डैश ए डैश का लंब क्या है? ओ ए डैश, ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश। अब देखिए इसका आधार क्या है? क्यू एफ, क्यू एफ है ना, बट इसका आधार क्या है? ओ डैश एफ, ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ बिंदु क्यू जो है अत्यंत पी के निकट हो, बिंदु क्यू पी पर हो तो बिंदु Q जो है से P पर है। अब तब देखिए यहाँ पर एक और चीज दिखाई दे दीजिए, QB और OA दोनों बराबर है ना, तथा QB बराबर OA, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना उतारिए उसके बाद उधर मिटा करके हम लिखते हैं। चलिए अब ये जो है इसमें मान दीजिए QB, QB बराबर OA है ना, तो QB के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? OA, OA बटे O डैश A डैश बराबर QF। यहाँ पर देखिए QF जो है Q तो Q बिंदु Q तो P पर चला गया, P के निकट है, तो इसको क्या लिखेंगे? PF बटे O डैश F, O डैश F का कोई मान है नहीं ना है, इसको क्या करेंगे PF में से घटा देंगे PO डैश, PO डैश को घटा देंगे तो O डैश F आ जाएगा ना। ये हो गया तुम्हारा समीकरण दो, समीकरण एक और समीकरण दो से। अब समीकरण एक और दो से तो समीकरण एक कितना है तनी बोलिए तो आप लोग फटाफट। ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर पी ओ जोर पी सी बटे पी सी, पी सी माइनस पी ओ डैश है ना, बराबर समीकरण दो कितना है? समीकरण दो ये ना है ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर पी एफ बटे पी एफ घटा पी ओ डैश, इसे ही कट जाएगा ना। तो अब इसे ही घट कट गया तो अब इसको उतार लीजिए, तो यहाँ पर पी ओ जोर पी सी बटे पी सी जोर पी ओ डैश बराबर माइनस, हाँ यहाँ माइनस होगा सॉरी, तो पी एफ बटे पी एफ माइनस पी ओ डैश, मान देने पर, मान देने पर तो पी ओ, पी ओ के जगह पर इसमें से देखिए तो पी ओ के जगह पर कितना देंगे? माइनस यू जोर पी सी, पी सी के जगह पर आर, आर बराबर टू एफ प्लस में ही है टू एफ बटे पी सी फिर टू एफ माइनस पी ओ डैश, पी ओ डैश के जगह कितना देंगे? सी बराबर पी एफ, पी से एफ की दूरी कितना है? एफ बटे पी एफ फिर एफ माइनस पी ओ डैश भी, इतना दे देंगे मान। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करना है, अब इतना उतारिए तो पहले, अब इसमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करना है, अब इधर का कोई जरूरी नहीं है, इधर का हम मिटाते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कीजिए आप इसको, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यूएफ आएगा, सॉरी माइनस यूएफ आएगा, माइनस यूएफ, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यू भी आएगा, इसे हो गया गुणा। अब इसे प्लस प्लस ए टू एफ को एफ से गुना करेंगे तो टू एफ स्क्वायर, समझे। अब टू एफ को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस टू एफ बी बराबर। अब इसको इधर में गुना कीजिए तो टू एफ को एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एफ स्क्वायर, माइनस को प्लस से गुना करें माइनस एफ बी आएगा। अब इसको इधर लाइए, माइनस यू एफ प्लस यू बी प्लस टू एफ स्क्वायर माइनस टू एफ बी, इधर लाएंगे इसको तो माइनस टू एफ स्क्वायर प्लस एफ बी बराबर जीरो, प्लस माइनस कट गया। अब देखिए इसको माइनस यू एफ प्लस यू बी, अब देखो टू एफ बी, टू एफ बी है यहाँ एफ बी है, टू एफ बी माइनस में है यहाँ प्लस में, तो क्या जाएगा माइनस एफ बी बराबर जीरो। तीनों में यू बी एफ से भाग देने पर, तो भाग दीजिए माइनस यू एफ बटे यू बी एफ प्लस यू एफ यू बी बटे यू बी एफ, फिर माइनस एफ बी बटे यू बी एफ, इसको काटिए यू एफ यू एफ माइनस एक बटा भी बच गया, प्लस यू एफ एक बटा एफ बच गया, माइनस एक बटा यू बच गया बराबर जीरो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए माइनस एक बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर एफ को उधर ले जाइए तो माइनस एक बटा एफ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको तुरंत सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक बटा भी जोड़ एक बटा यू आएगा बराबर माइनस एक बटा एफ, माइनस से माइनस कट गया, एक बटा भी जोड़ एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, इतना ही ना सिद्ध करना था, हो गया ना सिद्ध। चलिए आप लोग अब इसको उतार लीजिए।